2019, आज का युग हाईटेक युग है। दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, सब डेवलप हो चुका है, लेकिन लड़कियां आज भी खुद को असुरक्षित महसूस करती है। एक तरफ हमारा समाज लड़कियों को लड़कों के बराबर मानने की बात करता है और दूसरी तरफ कुछ कुछ जगह पर लड़कियों को समाज की प्रथा की आड़ में स्टैम्प पेपर पर बेचा जा रहा है। हाय, दिस इज जस्मिन पटेल एंड यू आर वॉचिंग जी चिल्स। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे समाज की, डायरेक्ट शुरू करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लड़कियों की सुरक्षा, उनकी इज्जत, उनका सम्मान, इमरजेंसी नंबर फॉर लेडीज हेल्प, ये सब कुछ शायद बातों में ही रहता है, या तो फिर होर्डिंग्स में, या तो फिर वो बस के पीछे चिपका हुए छोटे से पोस्टर में ही रहता है। क्योंकि आज भी हमारे देश में कई जगह पर लड़कियों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है और कोई कुछ नहीं कर सकता है, और उसके पीछे लोगों की सोच, उनका एजुकेशन और उनकी समझ जिम्मेदार है। तेलंगाना के नलगोंडा के आदिवासी समाज के लोगों की ये मान्यता है कि सिर्फ पुरुष ही वंश को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर लड़की के जन्म होते ही उनके माँ बाप भयभीत हो जाते हैं ये सोचकर कि उनको उनकी लड़की बेचनी पड़ेगी। देवरकुंडा छोटी लड़कियों की बिक्री के लिए बहुत बदनाम है। पिछले 4 सालों में लड़कियों की हत्या और बिक्री के 42 केसेस अकेले नलगोंडा में रजिस्टर हुए हैं, वो भी सरकारी आंकड़ों के हिसाब से। बाकी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सही आंकड़ा क्या होगा। अपनी लड़की को बेच देने के डर से उनके माँ बाप उनकी फूल जैसी लड़की को बच्चों के सरकारी आश्रय स्थानों पर छोड़कर आ जाते हैं हमेशा के लिए। पिछले 4 सालों में 170 से ज़्यादा लड़कियों को उनके माँ बाप ऐसी जगह पर छोड़कर चले गए हैं। यहाँ पर अगर किसी के घर पर लड़के का जन्म नहीं होता है तो पूरा समाज ऐसे लोगों पर सवाल उठाता है, उनकी इज्जत नहीं करता है, और अगर लड़के का जन्म हुआ तो पूरा समाज उनसे हंसकर बात करता है, उनका सम्मान करता है। यहाँ के बुजुर्गों का कहना है कि 2017 से लड़कियों को बेचने के किस्से बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले लड़कियों को अभिशाप नहीं माना जाता था, लेकिन अब लड़कियों को अभिशाप माना जाता है। पहले यहाँ पर दहेज प्रथा भी नहीं थी, लेकिन अब दहेज प्रथा भी बहुत बढ़ गई है। ये तो सिर्फ एक जगह की बात हुई, ऐसी बहुत सारी जगह है जो लड़कियों के लिए नरक के बराबर है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में लड़कियों को स्टैम्प पेपर पर बेचा जाता है, वो भी एक प्रथा के रूप में। इस प्रथा की आड़ में लड़कियों को बेचा और खरीदा जाता है। लड़कियों की मंडली लगाई जाती है और खरीदार बोली लगाते हैं। उसके बाद खरीदार और लड़की के बीच स्टैम्प पेपर पर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट भी दो तरीके के होते हैं, एक टेम्पररी और दूसरा परमानेंट, वो भी 10 रुपये से लेकर 100 रुपये के स्टैम्प पेपर के ऊपर। हर साल करीब 300 लड़कियों को खरीदा और बेचा जाता है, और लड़की की कीमत कितने समय का कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर से तय की जाती है। एक जगह से कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही लड़की को फिर से दूसरी जगह के लिए बेचा जाता है। ऐसे काम खुले आम हो रहे हैं और हम लड़कियों की इज्जत की बातें करते हैं, उनके सम्मान की सुरक्षा की बातें करते हैं, कंधे से कंधा मिलाने की बात करते हैं। एक तो लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है, अगर पैदा हो गई तो हो सकता है उनको कोई कचरे के डिब्बे में फेंक दे या तो किसी हॉस्पिटल के बाहर छोड़ दे, और अगर 8-10 साल की हो गई तो हो सकता है उनका रेप हो जाए। मतलब जिंदगी के हर कदम पर, हर मोड़ पर उनको डर कर ही रहना होता है। यार, हम लोग कितना भी डेवलपमेंट कर दे, कितने भी सैटेलाइट लॉन्च कर दे, चांद पर झंडा गाड़ दे, कितनी भी बड़ी चीज अचीव कर ले, लेकिन अगर आज ये सब चीजें हो रही है और अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे तो हमारी ये सारे अचीवमेंट का कोई मतलब नहीं बनता है। पता नहीं ऐसी हरकतें, ऐसे काम कब बंद होंगे, बंद होंगे कि भी नहीं, वी डोंट नो। पता नहीं कितनी फिल्में बन चुकी हैं, कितने भाषण सुन चुके हम लोग, कितनी बुक छप चुकी हैं, कितनी बार इंडिया गेट पर कैंडल जला चुके हम लोग, लेकिन अगर फिर भी ये सब चीज़ें बंद नहीं होती है तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। हो सकता है बात थोड़ी कड़वी हो, लेकिन जो है वो है। ओके, देन आज की बातें यहीं तक रखते हैं। आपके क्या व्यूज है इस बारे में वो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।